सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो इस वक्त कुमरिया घाट पर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मंच पर नजर आ रहे हैं और ये बड़ी सौगात गोरखपुर को मिलने वाली है। जून 2022 में पुल का निर्माण पूरा हो गया। ऐसा पुल की लंबाई की अगर हम बात करें, करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये पुल है और अब गोरखपुर से प्रयागराज पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। 80 किलोमीटर की दूरी लगभग आशीष जो है वो कम हो जाएगी और लगभग 500 गांव के 20 लाख की जो आबादी है उसको इसका फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, कमरिया घाट का जो पुल है उसका उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद आपको नजर आएंगे। फिलहाल वो मंच पर है, तस्वीरें आपके सामने है। करीब 1.5 किलोमीटर पुल की ये लंबाई है और गोरखपुर के अगर बात की जाए अम्बेडकर में घाघरा नदी पर बने करीब 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे। इस पुल का निर्माण कमरिया घाट पर किया जा रहा है जिसके कारण इसका नाम कमरिया घाट सेतु रखा गया और इसके निर्माण से अगर बात की जाए तो अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाकी जैसे जिलों की शानदार कनेक्टिविटी का नया विकल्प भी शुभम मिल जाएगा। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री जैसा कि अपनी जनसभाओं से जिक्र भी करते रहे हैं चुनाव के दौरान कि कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो अपने आप विकास के काम होंगे, विकास के क्षेत्र में यूपी प्रगति करेगा और बिल्कुल यही ट्रिलियन में इकोनॉमी पहुंचे इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं और इसी क्रम में इस पुल के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। देखिए वो मैप भी शुभम देख सकते हैं आप कैसे ये कनेक्टिविटी रहेगी और किन किन जो ज़िले हैं आसपास जो इसके थ्रू जिनको फ़ायदा मिलेगा तो गोरखपुर इस मैप के जरिए समझा जा सकता है। अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, उसके अलावा जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और ये अयोध्या, सीतापुर, ये तमाम वो ज़िले हैं जो इस शानदार कनेक्टिविटी का नया विकल्प बनेगा, बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे और 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। तो प्रगति के पथ पर प्रशस्त उत्तर प्रदेश जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये कहने में दो राय बिल्कुल नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और पूर्वी यूपी को ये जो सौगात मिलने जा रही इसकी मांग जो है लंबे वक्त से चल रही थी। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर इसको लेकर आंदोलन भी किया गया और उसके बाद अब योगी सरकार में इसकी सौगात जो है 500 गांवों को मिलनी जा रही है, जो 20 लाख आबादी जो है इन 500 गांव में उनको फायदा होगा। बहुत सारे लोग आशीष इस नदी को पार करने के लिए नावों का प्रयोग करते थे और नाव से चूंकि अब आधुनिक दौर में नाव का प्रयोग थोड़ा सा मुश्किल हो गया। एक हादसा भी बांदा में हमने देखा, एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी और अब पुल बनने से 20 लाख लोगों को शुभम बात कर रहे थे, ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह किया था इस पुल के निर्माण के लिए। 9 साल पहले यहाँ रहने पहले ग्रामीणों ने 10 दिनों तक भूखे प्यासे और उफनाती घाघरा नदी में जल सत्याग्रह किया था और ऐसा करने पर ग्रामीणों को पुलिस की लाठियां खाने के साथ जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल जो अब तस्वीर देखने को मिल रही है वो ये कि अब वहां के लोगों का जो सपना है वो साकार होते हुए दिखाई दे रहा है, पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो गोरखपुर से अब प्रयागराज पहुंचना आसान हो जाएगा, करीब 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। और 500 गांव की 20 लाख आबादी को इसका फायदा मिलेगा।